नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं पोंटा साहब में हूं और हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी किरणेश जंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी रैली देखी, यहां गांव में छोटी छोटी इसी तरह की जनसभाएं होती हैं, लेकिन मुद्दे आपने उठाए विकास के, डेवलपमेंट के और शिक्षा के, तो अपने क्षेत्र के लिए क्या आप खास योजनाएँ करते हैं अगर आप जीत के सामने आते तो? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ ये रहेगा, जो हमारे नौजवान साथी हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको उनका रोजगार दिलाना और उनको पांव पे खड़े करने का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा टूरिज्म के ऊपर रहेगा, जो हमारा टूरिज्म है उसको डेवलप किया जाए, कैसे हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें, उसके ऊपर हमारा मुद्दा रहेगा। ये सिखों का एक तरह से केंद्र है पोंटा साहब में, गुरु गोविंद सिंह जी का एक तरह से कह सकते कर्मस्थली रही है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? हमारी जो गुरु की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने यहाँ अपना जीवन का गुजारा है, और यहाँ जो हमने टूरिज्म का मैंने जो नाम लिया, क्योंकि गुरु की धरती है, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ तीर्थ लोग आते हैं अपने स्थान पे, ऑल इंडिया क्या मतलब ऑल वर्ल्ड से यहाँ आते हैं शीश झुकाने, इसी को मध्य नज़र रखते हुए हमने इसका टूरिज्म का इसके पॉइंट का हमने सोचा है। आपको एक इंडिपेंडेंट आप जीते थे पिछली बार जी, काफ़ी मजबूती के साथ, और इस बार आपको कांग्रेस से टिकट दिया गया, क्या लोकल स्थानीय स्तर पे विरोध है या सारे लोग एक तरह से आपके साथ खड़े हैं? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, जितने लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था वो सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक से एक कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आप भाषण में कह रहे थे कुछ जो आपके विरोधी हैं वो शराब और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं मत खरीदने के लिए, क्या ये बात सही है? ये बात सही है, मैं आज आप से भी कह रहा हूँ जब भी मीडिया से मेरा रूबरू हुआ है, क्योंकि ये जो केस हुआ था आपका रेणुका जी में, उसे मैंने ही इनको जो सुखराम जी अब कैंडिडेट हैं उनको शराब फेंकते हुए जो परशुराम जी का तालाब है उसे मैंने ही पकड़ा था। तो क्या शिकायत आपने इलेक्शन कमीशन से या डीसी ऑफिस में की इस तरह की? मैं शिकायत की थी उसमें, तो क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इनकी थी, तो इनके ऊपर जो वो थे क्या कहते हैं केस था, वो गवर्नमेंट ने इधर उधर कर दिया, कुछ इनके जो गवाह थे उनको तोड़ लिया इन्होंने। कल यहाँ मोदी जी की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी आपके बिल्कुल पास में, तो क्या उसका इस पूरे इलाके पर कोई असर पड़ेगा? कोई बड़ी घोषणाएं उस तरह से की जिससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मोदी जी का हिमाचल में कोई असर नहीं है, यहाँ सिर्फ राजा वीरभद्र जी का असर है, जो उनकी नीतियाँ हैं, उन्होंने जो काम किया है तो उसका असर है, और मोदी जी से आज हिमाचल की जनता ये पूछ रही है कि मोदी जी जो आप इतने साल के बाद आए और जो आपने यहाँ हिमाचल के लिए वायदे किए थे उनका क्या हुआ, वो आपने पूरे क्यों नहीं किए, आज ये जनता उनसे सवाल पूछ रही है। यहाँ आपके पड़ोस में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि जो योजनाएँ केंद्र से आ रही हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से हिमाचल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये सब जगह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसा है, बीजेपी के जो लोग हैं इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। मैंने अभी आप लोगों ने मेरी स्पीच में भी सुना होगा, इन्होंने यहाँ जो नेशनल हाईवे दिए डिक्लेयर, इन्होंने यहाँ इलेक्शन से पहले यहाँ नेशनल हाईवे जो डिक्लेयर किए उनके लिए एक भी पैसा नहीं आया, ये इन्होंने डिक्लेयर ही किया, पैसा कोई नहीं आया, उनकी जो DPR बननी थी उसके लिए पैसा ना था, वो नहीं आया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। तो पिछले 5 साल में जब आप कांग्रेस के साथ रहे, एक तरह से आपको ऑफिशियल उन्होंने दर्जा दिया हुआ था, आपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कुछ किया यहाँ के लिए? पिछले 5 सालों में राज साहब के आशीर्वाद से हमने यहाँ, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, 100 बेड का हॉस्पिटल हमने जनता को राज साहब से समर्पित कराया, 10 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमने यहाँ जनता को समर्पित कराया, और PSCs वगैरह खोली हैं, और आप जो अगर इसकी एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ आज हमारे पास कोई भी ऐसा स्कूल नया खुलने के लिए डिमांड नहीं है, ना ही कोई अपग्रेड होने के लिए है, और एक बहुत बड़ी सौगात इस जहाँ हम खड़े हैं इस एरिए को कॉलेज की दी, जहाँ लोग अपने गरीब लोग अपने बच्चे बच्चियों को पोंटा नहीं पढ़ने भेज सकते, आज वो घर का खाना खा के यहाँ पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी के लिए क्या करते हैं अगर हम जानना चाहें आपके सामने ये आ रहा है, पानी ये कहाँ से आ रहा है, मतलब ये सिंचाई के लिए कोई? ये पानी नेचुरल पानी है, नेचुरल उससे आ रहा है, और ये 12 महीने ये पानी चलता है, और यहाँ के लोगों की खेती आपका आप देख रहे होंगे, यहाँ लहसुन उगाते हैं, आलू उगाते हैं, यहाँ आपका अदरक उगाते हैं, मिर्च उगाते हैं, इस टाइप की इनकी खेती है। तो यहाँ की जो लोकल प्रोड्यूस होता है, जो कुछ खेतों में पैदा करते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध है या इनको परेशानी होती है? नहीं, बाजार उपलब्ध है, यहाँ हमारे नियर बाई जो हमारा विकास नगर है वहाँ ले जाते हैं, और अभी जो हमारा पोंटा है, पोंटा मैंने अभी राज साहब से 250 करोड़ की टर्मिनल मंडी ली है, उसमें एक बहुत बड़ी मंडी खुलेगी, तो यहाँ इनको लोगों को फायदा होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा टीवी, धन्यवाद करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार
किरणेश जंग साहब और यहाँ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीछे जो छोटा सा गांव देख रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी जनसभाएं हो रही हैं और ये शाम तक चलती रहती है, देर शाम तक ये चलती रहती है। और वन टू वन कॉन्टैक्ट लोग चाहते हैं कि लोग मिलें और अपनी समस्याओं को अपने नेता के सामने रखें। तो एक तरह से ये एक आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ों से जो खूबसूरत पानी, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी आ रहा है, ये भी आप हिमाचल प्रदेश की ये भी एक देन है। यहाँ के पहाड़ों से जो पानी आ रहा है सिंचाई के लिए जा रहा है, लोग खेती करते हैं छोटी मोटी। और ये जो सारा कुछ आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका आपके पीछे छोटा सा खेत है, इसमें लोग अदरक की, हल्दी की, तमाम तरह की खेतियाँ करते हैं। तो लोग बहुत कुछ यहाँ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि बेहतर पढ़ाई हो, बेहतर शिक्षा हो और लोगों को यहाँ लोकल स्थानीय स्तर पर बाज़ार उपलब्ध हो। पोंटा साहब से कैमरामैन रवि के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह, दैनिक सवेरा टीवी के लिए।